तो क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं आप? आज की वीडियो मैं आपको LG का टीवी 21 इंच का, जिसका फॉल्ट है वर्टिकल लाइन आ रही है दरमियान में लाइन आ रही है, और हम उसके मतलब आपको बताएंगे कि इसका मसला क्या है, वर्टिकल IC का मसला है या वोल्टेज बंद है वर्टिकल IC के। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो मेरे दोस्त नए वीडियो देखने वाले हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आइए हम आपको बताते हैं कि ये LG का टीवी, इसका फॉल्ट है वर्टिकल लाइन आ रही है। हम आपको बताएंगे कि इसका क्या मसला है। इस टीवी को ओपन करेंगे और इसके बोर्ड को चेक करेंगे मीटर के साथ, इसके वोल्टेज पूरे हैं या वर्टिकल का IC ख़राब है, क्या मसला है। आइए इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, ये LG का टीवी, पहले हम इसको पावर ऑन करके इसकी पोजीशन आपको दिखाते हैं कि इसकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले आ रहा है, क्या वर्टिकल लाइन किस तरह की आ रही है और वर्टिकल लाइन होती क्या है, आपको बताते हैं। तो आप देखें, मैं अभी टीवी की पावर ऑन करता हूं और आपको दोस्तों बताता हूं। मैंने टीवी की पावर सप्लाई ऑन कर दी है और अब इसको चेक करते हैं कि इसकी स्क्रीन पे क्या पोजीशन आ रही है। ये देखें वर्टिकल चला जाता है। बोलते हैं, इसका बोर्ड चेक करते हैं, इसका क्या मसला है। दोस्तों, टीवी की बैक हम खोलने लगे हैं और इस टीवी का मॉडल स्लिप ये लगी हुई है, देख लें ये मॉडल इसका। टीवी की बैक हमने उतार ली है, टीवी में डस्ट बहुत ज़्यादा है। पहले हम इसको ब्लोअर मारेंगे, इसकी सर्विस करेंगे टीवी को। दोस्तों, टीवी की हमने सर्विस कर दी है, सारी डस्ट को हमने साफ कर, मेन बोर्ड बोर्ड को हम बाहर निकालेंगे। ये टीवी का फ्लाई बैक है और ये सिस्टम जंगल IC है। सारा टीवी का जितना भी सिस्टम है, प्रोग्रामिंग, डिस्प्ले, सारा इसमें है। ये टीवी का चैनल है और ये टीवी के सप्लाई का हिस्सा है। ये साउंड सिस्टम का हिस्सा है टीवी के, और टीवी का जोन सा वर्टिकल, टीवी का वर्टिकल हिस्सा ये है। ये देखें, वर्टिकल IC लगा हुआ है। इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे, देखेंगे क्या वजह है। ये शॉर्ट तो नहीं है? अगर शॉर्ट नहीं है फिर वोल्टेज डिस्कनेक्ट है, वो चेक करते हैं मीटर के साथ। ये जैक उतार लेंगे हम, बोर्ड को हम उल्टा कर लेंगे। दोस्तों, मीटर की नेगेटिव प्रॉड को हम ग्राउंड पे अर्थ कर देंगे और हम ये वर्टिकल IC का हिस्सा है, ये इतना, और वर्टिकल की जो सी ये तीन पिने हैं, दरमियान वाली पिन जो सी है वो ग्राउंड है ये, और साथ वाली जो सी पिन है ये पॉजिटिव वोल्टेज है, इधर आने चाहिए 24 वोल्ट या 25 वोल्ट। ये दोनों पिनों में 24 या 25 वोल्ट आने चाहिए। हम मीटर पे चेक करेंगे के वोल्ट आ रहे हैं।
टीवी स्टैंड बाई पे दोबारा चला जाता है। इस सूरत में हम इस आईसी को ओपन करेंगे, ये सोल्डिंग जोन सी है ना, इस आईसी को मुकम्मल ओपन करके दोबारा से वोल्ट चेक करेंगे कि दोबारा से टीवी को पावर ऑन करेंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे दोबारा से, तो ये वोल्ट आके स्टैंड बाई पे तो नहीं जाता। अगर स्टैंड बाई पे नहीं जा रहा, अगर इधर वोल्ट ठहर जाते हैं, तो फिर समझे कि ये आईसी ख़राब है, इस आईसी को चेंज कर दें। आईसी को हम ओपन करेंगे पॉइंट्स के। दोस्तों आईसी को हमने सक्कर वाइट से ओपन कर लिया और इसको अच्छे से साफ कर लेंगे इस जगह को। अब हम इसको दोबारा से पावर दे के ऑन करेंगे, चेक करेंगे। अब तो वोल्टेज स्टैंड बाई पे तो नहीं जा रहा, दे के चेक करेंगे कि अब स्टैंड बाई पे तो नहीं जा रहा। ये पावर ऑन की, ये वोल्ट चेक किया हमने, देख लें। अब आईसी मैंने वर्टिकल का ओपन किया, ये देखें दोस्तों, मैंने आईसी ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद टीवी की सप्लाई मैंने दोबारा से ऑन की है। अब ये देख लें, मीटर की टेस्टिंग, अब सुई वापस नहीं जा रही, वोल्टेज वापस नहीं जा रहे, अब ये वोल्ट ठहर गए हैं। इसका मतलब है कि वर्टिकल का एसी शार्ट है। हम इसको अब बाहर निकालेंगे, नया लगा देंगे इसकी जगह, नया लगा के फिर दोबारा इसको चेक करते हैं कि हमें इसका क्या रिस्पांस मिला। वर्टिकल के आईसी का हम ये स्क्रू खोलेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये हमने आईसी निकाल लिया, अब हम इस आईसी को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद देखेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। दोस्तों ये आईसी वर्टिकल का जो हमने टीवी की किट में से ख़राब निकाला है, और ये हम लगाएंगे अब आईसी, वर्टिकल का आईसी अब फिट करते हैं इसमें। इस आईसी को लगाने के बाद देखो हमें क्या रिस्पांस मिलता है। अब हम इस आईसी को सोल्ड करेंगे, बोर्ड को उल्टा कर लेंगे। ये आईसी की पिन्ने, पॉलिटिकल आईसी की पिन्ने, इसको हम सोल्ड करेंगे। चेक करते हैं कि हमें क्या रिस्पांस मिला। टीवी अब स्टैंड बाई पे है, अब हम चेक करेंगे हमारा ये काम कैसा रहा। पहले आईसी पे हमने चेक किया था, पावर सप्लाई हम जब ऑन करते थे इसकी स्टैंड बाई से, तो कुछ ही सेकंड बाद टीवी ऑफ हो जाता था, आगे लाइन वर्टिकल आ जाती थी और ये टीवी की पावर ऑफ हो जाती थी। तो ये मीटर की टेस्टिंग सुई जो सी है वो वापस बैक चली जाती थी। अब हमने नया आईसी लगा दिया, ये देख लें, हमने साफ पावर सप्लाई इसकी स्टैंड बाई से ओपन की है और ये पावर इसकी सही आ रही है जी। जब आईसी शार्ट था वोल्ट पूरे आ रहे थे, लेकिन आगे ड्रॉप हो जाते थे, डिसकनेक्ट हो जाते थे, क्योंकि आईसी शार्ट था इसलिए। अब हम टीवी की पावर ऑन करके इसका हम डिस्प्ले चेक करेंगे कि हमें क्या आगे रिस्पॉन्स मिला। वर्टिकल लाइन चली गई है कि नहीं, अब हम वो चेक कराएंगे आपको।
वाह जी वाह। देखें दोस्तों, वर्टिकल लाइन चली गई है, देख लें रिजल्ट टीवी का। पर ऊपर से ये देखें लाइनें आ रही हैं और थोड़ी सी पिक्चर थोड़ी छोटी है। दोस्तों आईसी लगाने से जो मसला था डिस्प्ले स्क्रीन पे वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन ऊपर वाली साइड पे लाइनें आ रही हैं और तस्वीर थोड़ी सी छोटी आ रही है, उसका हम मसला हल करेंगे। उसके मसले में इधर इसके साथ ही कैपेसिटर लगा होता है 100 UF 50 वोल्ट, वो ख़राब है, वो चेंज कैपेसिटर हमने निकाल लिया। देखने को ठीक लग रहा है पर है ख़राब, इसको चेंज करते हैं। ये देख लें, ये 100 UF 50 वोल्ट का लगा हुआ है, 35 का भी लगा होता है, 50 का लगा लें 35 का लगा लें कोई मसला नहीं, 100 UF होना चाहिए। दोस्तों ये कैपेसिटर हमने पहले वाला हमने निकाल दिया है, अब ये लगा के चेक करेंगे हमारा जो स्क्रीन पे लाइनें हैं वो उसका मसला हल हुआ कि नहीं। इस कैपेसिटर को हम लगाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव देख के बस होल्ड कर देंगे। नाइस, ठीक है जी, ये देख लें कैपेसिटर चेंज किया हमने, लाइनें भी चली गई हैं और पिक्चर पूरी हो गई ऊपर से। ये देखें इतनी तस्वीर आ रही है और इधर लाइनें आ रही थी, वर्टिकल लाइनें आ रही थी, वो अभी क्लियर हो गया कैपेसिटर चेंज करने से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें, क्योंकि मेरी हर वीडियो नई आने वाली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।